सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में अपन ये देखेंगे, एसी में कभी माइनर लीक आया था ना अपने को, तो अपन क्या करते, आउटडोर में सेपरेट गैस डाल के चेक करते नाइट्रोजन, और इंडोर में सेपरेट चेक करते। अब इंडोर में और आउटडोर में बोले तो देखो, ये जो कॉइल है ना, इसको अपन कंडेंसर कॉइल बोलते हैं आउटडोर में, तो इसमें लीक आ जाता, तो ये चेक करने के वास्ते जो है अपन को आउटडोर में प्रेशर होल्ड करना पड़ता, वो कैसा करना वो देखेंगे। और ये इंडोर में तो जो है नॉर्मल रहता है, इसकी जो कॉइल रहती है ना, कॉइल को ये दो पाइपा कनेक्ट रहता है, यहाँ पे एक डम्मी लगा दिए, डम्मी लगा दे के यहाँ से प्रेशर डाल दिए अपन, ये डायरेक्ट अपना जो लाइन रहती है ना, यहाँ कनेक्ट हो जाती है ये वॉल में, यहाँ कनेक्ट कर देके अपन प्रेशर डाल के इंडोर में चेक कर ले सकते हैं। अब आउटडोर में कैसा रहता बोले तो मसला, ये जो पिन रहता ना अपने को, यहाँ से प्रेशर डाले बोले तो यहाँ से निकल जाता है, समझ गए ना, अंदर मशीन के अंदर नहीं जाता अपने को। कहीं को बोले तो ये जो पिन है या जो पाइपिंग रहती है ना अपने को, पाइपिंग से कनेक्ट रहता वो पिन। तो फिर अब अपन आउटडोर में प्रेशर कैसा होल्ड करना, तो देखो अपने को दो ऑप्शन है, एक तो जो है अपन को हाफ इंच, अभी जो भी है ना मशीन का फ्लेयर नट 3/8 या हाफ इंच 1/4 जो भी रहता, यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। अब जैसा कि ये पाइप है ना, मैं इसको यू बना लिया, तो यहाँ पे हाफ इंच 1/4 दोनों को ले लेके ऐसा यू बना देना, बना दे के अब देख सकते हैं यहाँ एक नट टाइट हो गया, यहाँ एक नट टाइट हो गया, समझ गए ना, ये यू है अपने को, यहाँ पे नट टाइट हो गया, पाइपिंग यहाँ का यहीं से समझ लो। उसके बाद में नीचे से जो है प्रेशर डाल दिए बोले तो प्रेशर अपने को सीधा कंडेंसर कॉइल में आ जाता। कैसा आता कंडेंसर कॉइल में बोले तो, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है डिस्चार्ज का पाइप है, ये डिस्चार्ज का पाइप है ना, ये पहले अपने को देख सकते हैं यहाँ से कंडेंसर में कनेक्ट रहता, पहले कंडेंसर में कनेक्ट होने के बाद में पूरा कंडेंसर में गैस भरने के बाद, उसके बाद में यहाँ से आके ऊपर कनेक्ट होता, देख रहे ना, तो ऐसा रहता समझो। यहाँ से अगर अपन प्रेशर होल्ड कर दिए बोले तो इसके अंदर जाता, या फिर अपने पास सेकंड ऑप्शन ये रहता कि इसका वॉल बंद कर देना, जो है सेक्शन का पाइप है ना बड़ा वाला, इसका एल एन की बंद कर देना। एल एन की बंद करने के बाद में अपने को भी यहाँ पे आगे गैस नहीं निकलती यहाँ से, तो अपन क्या करना, ये जो डिस्चार्ज का है ना, यहाँ पे डायरेक्ट लाइन लगा देना, अपनी जो लाइन रहती है ना, लाइन लगा देके यहाँ से भी अपन प्रेशर होल्ड कर सकते, देख सकते यहाँ पे डायरेक्ट अपनी लाइन जो रहती है ना 1/4 की लाइन, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती, यहाँ पे लाइन लगा दिए, लाइन लगाने के बाद में ये जो वॉल रहता है ना डिस्चार्ज का खुला रखना, सेक्शन का जो वॉल रहता बंद कर देना, एल एन की से डिस्चार्ज का वॉल खुला रखना। तो यहाँ से जब अपन प्रेशर डालते हैं ना, तो प्रेशर कैसा निकलता अपने को देख सकते, ये जो पाइप है ना, ये पाइप है अपने को, ये कैपलरी है, इसके अंदर ये कैपलरी में से प्रेशर पहले देखो यहाँ से अपने को डायरेक्ट यहाँ पे कंडेंसर में आता, कंडेंसर में यहाँ से जाने के बाद में इसके पूरे पाइपों में प्रेशर भरने के बाद में जब कंडेंसर से रिटर्न आता ना अपने को, ये पाइप से जो रिटर्न आ रहा अपने को, रिटर्न आके जब कंप्रेसर में जाता, तो अपन यहाँ से प्रेशर डाले तो पहले कंडेंसर में जाता अपने को, उसके बाद में रिटर्न जो है अपने को कंप्रेसर तक आता, समझ गया ना। तो जब कंडेंसर में अपन लीक चेक कर ले सकते, हर कंप्रेसर जो है 100% नहीं बंद रहता अपने को, थोड़ा थोड़ा प्रेशर जो है सेक्शन में आते रहता समझो, तो जो है यहाँ पे कंप्रेसर में लॉक नहीं रहता कुछ भी प्रेशर। और अगर अपने को 100% लॉक भी रहा समझो प्रेशर, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अपने को। कहीं को बोले तो अपन यहाँ डिस्चार्ज से जो प्रेशर डाल रहे ना, ये वॉल से अपने को पहले कंडेंसर में जाता, देख लिए होंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ, ये देखो ये जो वॉल है ना अपने को, ये पाइप है, ये पाइप अपने को यहाँ कनेक्ट है, ये कैपलरी में कनेक्ट होके नीचे से यहाँ से निकल के पहले इधर कंडेंसर में कनेक्ट हो रहा है, देख सकते कंडेंसर में कनेक्ट होने के बाद में कंडेंसर जब गैस फिल हो जाता ना, उसके बाद में ये जो पाइप है यहाँ से देख सकते ये रिटर्न आ रहा है, देखो रिटर्न आके उसके बाद में कंप्रेसर में जा रहा, तो अपना होल्ड हो जाता कंडेंसर कॉइल के अंदर। आई होप के समझ में आ गया होगा। और सेकंड वाला जो बोला था मैं, यू लगा के मारते सो अपन, अब यहाँ पे देखो ये पाइप ऐसा लगा दिए अपन, ठीक है, यहाँ पे जो है सेक्शन का पाइप, सेक्शन को टाइट कर दिए, डिस्चार्ज का डिस्चार्ज को टाइट कर दिए, यहाँ से ये लगा दिए, लगा दिए के जब जो है अपने वाल्व खुले ही रहते, वाल्व खुले रहे तो क्या होता, अपन जो यहाँ से प्रेशर डालते ना सेक्शन के ये वॉल में से, यहाँ से प्रेशर डाले तो ये प्रेशर यहाँ से अपने को डिस्चार्ज में जाता, डिस्चार्ज में जाके यहाँ से तो अपने को फिर कॉइल में जाता समझो वो प्रेशर। आई होप के समझ में आ गया होगा। और जो अपन यहाँ से जो प्रेशर डालते हैं ना, प्रेशर डालने के बाद में जब का जबीत भी चेक कर सकते या फिर ये वॉल बंद कर ले सकते, वॉल बंद कर दिए तो प्रेशर अपने को होल्ड हो जाता अंदर, दो ऑप्शनों में भी, समझ गए होंगे। अब ये तो पाइप लगाए वक्त तो अपने को वॉल बंद करने की जरूरत नहीं रहती, तो ऑप्शनों से चेक कर सकते, एक तो ऐसा पाइप लगा दे के वॉल खुले रख के यहाँ से प्रेशर डाल दिए तो अपने को कॉइल के अंदर होल्ड हो जाता। सेकंड वाला जो है ये सेक्शन का वॉल बंद कर देना, सेक्शन का जो एल एन की रहता ना, एल एन की बंद कर दे कि यहाँ पे बंद हो जाता प्रेशर, तो अब यहाँ से नहीं डाल सकते अपन, तो यहाँ से जो है ये इसका नट खोल लेके यहाँ डायरेक्ट लाइन लगा दे सकते अपन डिस्चार्ज को, लाइन लगाते कि यहाँ से प्रेशर होल्ड करे बोले तो, ये जो यहाँ से पहले अपने कैपलरी में से होके कैपलरी में से
अपने को कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में से उसके बाद में रिटर्न जो है अपने को कंप्रेसर तक आके यहाँ पे रुक जाता। अगर 100% यहाँ पे अगर बंद रहा अपना कंप्रेसर तो यहीं रुके हुआ रहता प्रेशर, नहीं अगर थोड़ा सा ओपन भी रहा बोले तो सेक्शन के पाइप से आके यहाँ तक रुक जाता, समझो सेक्शन के वॉल तक। यहाँ पे देख सकते हैं एक और एक मशीन है, ये LG का मशीन है। इसमें देखो नीचे डिस्चार्ज का वाल है, ऊपर सेक्शन का वाल है। अब डिस्चार्ज का वाल देख सकते हैं, यहाँ नीचे से जो है अपने को यहाँ से यू बना, यहाँ पे कैपिलरी लगे हुए ऊपर बीच में, कैपिलरी से फिर नीचे आके अपने को यहाँ कॉइल में चले गया, देख सकते हो बैक साइड पे कॉइल में चले गया, कॉइल में जाके फिर कॉइल में प्रेशर होल्ड होके फिर कॉइल में से रिटर्न जो है अपने को ऊपर से आता, ऊपर से आके देख सकते हैं ये जो अपने कॉपर का पाइप है यहाँ से आके अपने को कंप्रेसर में कनेक्ट हो रहा। मतलब जो है अपन यहाँ से अगर ये वाल खोल दिए, समझो ये नट खोल दे के अपन यहाँ से अगर प्रेशर डाले डिस्चार्ज में से, तो पहले अपने कंडेंसर कॉइल में जाता फिर रिटर्न आके यहाँ पे रुकता। अगर अपना कंप्रेसर पूरा 100% बंद रहा तो यहीं पे रुक होल्ड रहता, नहीं बोले तो फिर सेक्शन में से आके फिर यहाँ पे वाल बंद रहता अपना, यहाँ पे होल्ड आया था ये पाइप में, तो अपना पाइप कंप्रेसर और कंडेंसर तीनों में प्रेशर होल्ड आया था, तीनों में चक्कर ले सकते, समझ गए होंगे। इसके अंदर इजीली अपन प्रेशर होल्ड करके कॉइल में लीकेज है नहीं है चेक कर सकते। आई होप के समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।